एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का पेपर सेकंड, यूनिट सेकंड हमारी चल रही थी जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन बॉडी के लिए। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? फूड से। ठीक है, फूड से मतलब जब इस फूड का कंबशन होता है तो क्या होता है, एनर्जी फॉर्म होती है। आप बोल सकते हो कंबशन या फिर ऑक्सीडाइज, जब ये होता है फूड तब क्या होता है, एनर्जी फॉर्म होती है। अब कोई भी जब जब ऑक्सीडाइज हो रही है तो हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं। जब फूड का कंबशन होता है तो दो चीज़ें होती हैं। पहला CO2 फॉर्म होती है, ठीक है, जो रिलीज हो जाती है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दूसरा होता है एनर्जी फॉर्म होती है, जो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कैपेबल हो पाते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। राइट, तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन होता क्या है तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। इस एक्टिविटी के दौरान हम करते क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो सिंपली रेस्पिरेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक्चुअली ये था ओवरऑल रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जब हम पढ़ते हैं तो दो टर्म्स आती हैं। पहला आता है इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन को लेना एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन को लेना। एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन। ठीक है, एटमॉस्फेयर से एयर को लेना, बेसिकली हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन। दूसरा आता है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन इस प्रोसेस में क्या होता है, इंस्पिरेशन का एकदम उल्टा, मतलब एयर इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इंस्पिरेशन में हमने क्या लिया था, ऑक्सीजन को लिया था, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन हम रिलीज़ कर देते हैं एयर को वापस एटमॉस्फेयर में। बेसिकली हम रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो ये दो टर्म आती है जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ते हैं। पहला है इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, और एक्सपिरेशन में रिलीज़ कर देते हैं वापस से एटमॉस्फेयर में एयर को। ठीक है, कौन से गैस हम रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, एक तरीके से हमें गैसेस का एक्सचेंज देखने को मिल रहा है बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जो ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर के बीच में और लंग्स के बीच में, डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे। जब लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में एक तरीके का प्रेशर ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाता है तब गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर है? ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन
प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है जब एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो जाता है। अब इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, या बोलो कि लंग्स का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, इंस्पिरेशन हो पाता है, या हम बोलें कि हम सांस अंदर ले पाते हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बिकम लेस, ठीक है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस देन, ठीक है। तब क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। प्रेशर क्या है, लेस देन, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से नेगेटिव है यहाँ पे प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ऑक्सीजन का क्या होता है, इनटेक होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन के में इसके बिल्कुल उल्टा हमें देखने को मिलता है। एक्सपिरेशन में क्या होता है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्सपिरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बिकम मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, पॉजिटिव में है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। जिस इंस्पिरेशन में क्या होता है, O2 हम अंदर लेते हैं, और एक्सपिरेशन में क्या होता है, CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 का रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं वो ये है कि जो एयर होती है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल होती है। तो जो गैसेस होती हैं, या एयर आप बोलो, गैसेस ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा क्या होता है, गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, इसे आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लंग्स होता है उनमें खुद में कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद से एक्सपेंड कर पाएँ या कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, उसके लिए वो डिपेंड करते हैं थोरेसिक कैविटी पे, ठीक है। जब थोरेसिक कैविटी का जो साइज़ है या वॉल्यूम है बढ़ जाता है तो जो लंग्स है उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। वहीं पर अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है या घट जाता है तो क्या होता है, जो लंग्स होता है उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंग्स है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, थोरेसिक कैविटी पे। जहाँ पे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ठीक है। लंग्स कैन नॉट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट बाय देयर ओन, ठीक है। फॉर दिस दे डिपेंड्स ऑन थोरेसिक कैविटी, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में, जिसको आप क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा भी बोल सकते हैं थोरेसिक कैविटी को, ठीक है। क्या होता है, जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है
तो साथ ही साथ में क्या होता है, लंग्स का भी वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। वहीं पे अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो उसके साथ में क्या होता है, लंग्स का भी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। हम लिख लेते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। उसके साथ ही साथ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीजेस, ये पहला केस है। दूसरा केस है जब क्या होता है, वॉल्यूम यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो जाता है, अगर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। ठीक है, अब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। थोरेसिक कैविटी का अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो उसके साथ ही क्या होता है, लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वहीं पे अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो गया तो लंग्स का वॉल्यूम भी जो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, एज बिकॉज लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी है, प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बेसिकली, और किस तरीके से जो है लंग्स परफॉर्म करता है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से होता है रेस्पिरेशन का, इंस्पिरेशन किस तरीके से होता है, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म लेवल पे, लंग्स में किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।